रुक सर, इज तो ऑलवेज ऑसम। स्टार के लिए क्या स्टार दें? किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ इंडियन सिनेमा एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा रहा जी, रियली पठान इज किंग। तो अभी जवान मैदान में थे, तो किस तरह का जवान का जलवा रहा? जवान का बहुत अच्छा जलवा रहा जी। यूसुफ खान के बाद अगर किसी ने इस देश को पठान दिया है तो किंग खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान, तो आज की स्टोरी लाइन कैसी रही, किस तरह से निभाया और क्या कुछ खास रहा? स्टोरी लाइन बहुत अच्छी रही, देश के ऊपर थी, जो आज का हमारा देश में चल रहा है उसी के ऊपर, बहुत अच्छा रहा। कुल मिला के पैसा वसूल हो गया? पैसा एक्स्ट्रा वसूल हो गया। बहुत जबरदस्त लगी। फर्स्ट हाफ तो माइंड ब्लोइंग था और सेकंड हाफ वाज द लाइक चेरी ऑन द टॉप। लाइक आई विल गिव इट लाइक 9 out of 10। लाइक जैसे पठान थी ना, उससे भी एक नॉच ऊपर है। यस, शाहरुख खान एज ऑलवेज चार्मिंग एंड टू टाइम्स चार्मिंग, बाप और बेटा दोनों। थैंक यू सो मच। आप बताइए कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक्शंस वगैरह क्या? बहुत अच्छा, मजा आ गया। अगली पिछली फिल्म से भी आगे और अच्छा है। और अच्छा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। एक्शन कैसा लगा? इसमें जय जवान जय किसान, जय जवान कम्प्लीटली मास एंटरटेनर मूवी है, मास एंटरटेनमेंट है। आपको एक्शन मिलेगा, आपको ड्रामा मिलेगा, म्यूजिक टॉप नॉच है, मतलब कम्प्लीटली इट वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड कॉमेडी अनएक्सपेक्टेड, शाहरुख सर डूइंग कॉमेडी अनएक्सपेक्टेड। एंड स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन है, जो हमारी कंट्री में चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। और आप मेरी वॉइस से समझ रहे हैं कि जो सीन्स है इतने एलिवेटेड थे कि मेरी वॉइस नहीं निकल रही है इस टाइम। अच्छा, नयनतारा और दीपिका पादुकोण दो ऐसी स्टार्स थी जिनके ऊपर सेंटर थे हम लोग, फीमेल स्टार्स थी। जो केमिस्ट्री थी नयनतारा मैम का बहुत अच्छी लगी, फ्रेश लग रही थी एकदम, और दीपिका मैम ने आके तो चार चांद लगा दिए थे। मैम तो इमोशंस वैसे ही बहुत अच्छे हैंडल करते हैं, तो नयनतारा एक्शन करते हुए माइंड ब्लोइंग क्लासिक। और एक गर्ल गैंग के ऊपर जो मतलब दिखाया गया था उसके ऊपर, उनके लिए क्या विमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई है, एवरी गर्ल शुड वॉच, हम सबके लिए ये देखनी चाहिए। मार्शल एंड आर्ट्स एंड ऑल ये सारा कंपल्सरी करना चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स को डिफेंस फोर्सेस की तरफ जरूर जाना चाहिए मूवी देख के। बहुत अच्छी। अच्छा, क्या कहेंगे किस तरह की स्टोरी रही, कैसे उठाया? स्टोरी बहुत अच्छा है, कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं, आप जाके देखें। जाके देखें, क्या कहेंगे शाहरुख खान की मूवी देखकर आएंगे? मेरे को बड़ी अच्छी लगी। क्या क्या देखा आपने? मैंने उसको उसके रोल मुझे वो पसंद आया जिसमें दोनों आते हैं वो माँ। यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? मूवी तो परफेक्ट थी, एक्शन मास एंटरटेनर है, और ऐसे स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकते, बट वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ शाहरुख खान है। मतलब कोई कौन सी चीज है जो मतलब मूवी में पूरा बांध के रखती है, क्या खास लगा जो मतलब? जो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है इसकी, जो स्लो बिल्डअप है मूवी का, ऐसे प्लॉट रिवील नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप गया है। जैसे डबल रोल ये बता सकता हूँ, बट डबल रोल का क्या इम्पोर्टेंस ये नहीं बता सकता हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कैसी मूवी है। बिल्कुल बिल्कुल देखें, आई एम शाहरुख खान फैन, उसी हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड एवरीवन शुड वॉच इट। थैंक यू सो मच सर, क्या कहेंगे, क्या खास रहा मूवी के अंदर, कैसी रही जवान? फर्स्ट हाफ ऑसम, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था इतनी अच्छी फिल्म होगी। सेकंड हाफ उससे भी ऊपर, बहुत ही बढ़िया। और कैमियोज थे मूवी के अंदर? कैमियोज बहुत सारे, मैं सरप्राइज ब्रेक नहीं करूंगा, बट इट्स वर्थ वॉचिंग। वन वर्ड फॉर शाहरुख खान, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, वी लव शाहरुख खान। जवान देख लिया आपने, कैसी रही बताइए? बहुत अच्छी मूवी, एकदम ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए मूवी को देख के, एकदम बहुत अच्छा लगा। स्टोरी लाइन कैसी रही? स्टोरी लाइन भी बिल्कुल जबरदस्त है, कोई भी बोरियत महसूस नहीं होगी, एकदम बहुत बढ़िया मूवी। शाहरुख खान के शेड्स की बड़ी चर्चा हो रही थी, उनके लिए क्या कहोगे? वो भी बहुत लाजवाब है, क्या ही कहें उनके बारे में, हर एक सीन पे एक अलग लुक देते थे, मजा आएगा। पैसा वसूल कर सकते हैं पूरा। आ जाइए सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी मूवी है, ऐसा एक्शन पैक मूवी को बताया गया था, एक्शन पैक के अलावा और ये बहुत कुछ मूवी में है। अब साउथ की स्टोरी है, ठीक है, तो साउथ के हिसाब से स्टोरी बनाई गई है, जो कि स्टोरी है बहुत थ्रिलर है। मैं ये बोलना चाहता हूँ एक्शन पैक मूवी है और स्टोरी बहुत दमदार है और बहुत थ्रिलिंग मूवी है, तो सबको देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो कैमियोज की बात हो रही थी जी, बिल्कुल, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, पर जो कैमियो है आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है मूवी में। थैंक यू सो मच। नयनतारा और दीपिका पादुकोण दोनों ही इस मूवी की सेंटर्ड थी, क्या कहेंगे? मैम दोनों ही बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म में, और जैसे कि लोग सोच रहे थे ये सिर्फ एक्शन मूवी होगी, बट इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है, ड्रामा है, सब कुछ है, सबके लिए है फिल्म ये। हाँ जी, सबको आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हर एज ग्रुप देख सकता है। इसके खास रही जगह? या इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, इनफैक्ट यू हैव नेवर सीन सच थिंग इन एनी ऑफ एसआरके फिल्म्स, सो
नॉट जस्ट फॉर SRK फैंस, जो नॉन SRK फैंस भी हैं वो भी ये मूवी को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे. सो इट्स अ मस्ट वॉच. या शाहरुख खान का एक्शन, उनका स्वैग थ्रू द मूवी कैसा था? एक्शन तो एकदम ताबड़तोड़ रहा है इनका. एंड इनफैक्ट हम इन्हें एक्शन मूवीज पहले भी करते देख चुके हैं, इवन इन डॉन, बट ये दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल. या जो मतलब डायरेक्शन और जो राइटिंग पार्ट था, वो जो मतलब सबसे मेन चीज इस मूवी की रही, एटली उनके लिए क्या कहेंगे? एटली का काम एक्चुअली मैं साउथ में भी देख चुका हूँ एंड आई एम प्रेटी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क. एंड इस थोड़े से स्पैन में उन्होंने बहुत यू नो ग्रोथ देखी है एंड इट विल हेल्प हिम अ लॉट इन फ्यूचर एज वेल. एंड इन फैक्ट नो स्पॉयलर्स बट मे बी या पैसा वसूल एंड मे बी वी कुड सी यू नो टर्न. या इन फैक्ट दिस फिल्म कैन टर्न आउट टू बी इनटू अ फ्रेंचाइज मे बी. सो ये सरप्राइज जानने के लिए तो लोगों को देखनी चाहिए कि इसमें आगे कुछ हो भी सकता है या नहीं. बट मेरी तरफ से तो या इट्स अ पैसा वसूल. काफ़ी अच्छी मूवी थी. मतलब ये पॉलिटिक्स भी, मतलब जो पब्लिक को सुनाना था, जो मतलब देना था, एक वो दिया उन्होंने, सही अच्छा मैसेज दिया उन्होंने. अब देखते हैं आगे कितना इम्प्रूव होता है, ये सब देखेंगे तो पॉलिटिक्स में असर होना चाहिए इस चीज़ को देख के. हाँ स्टोरी बहुत अच्छी है, बाकी इमोशन भी अच्छे हैं, मतलब सस्पेंस अच्छा है इसमें मूवी में, एक्शन भी बहुत अच्छे हैं. लगा नहीं था ऐसे ऐसे भी होगा, लेकिन मजा आया. मजा आ गया. हाँ चलिए आइए आ जाए यार. बहुत ही जबरदस्त मूवी है. क्या कहूँ, किसी कहानी रही, कैसा एक्शन रहा, साउथ वाले एक्टर ऑलमोस्ट सारे बेस्ट हैं, बिल्कुल मस्त है. ऑलमोस्ट सभी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है. पूरा पैसा मैम दोबारा फिर आऊंगा देखने के लिए. शाहरुख खान के लिए 1.1 क्या रहेगा? मैं बहुत ही